बोलिए कन्हैया लाल की। और ये हमारी बड़ी दीदी सुची यादव की तरफ से। और हमारे बड़े भैया श्रीमान रणजीत सिंह फौजी जी, ये दोनों लोगों की तरफ से एक फूलों का हार और एक सोने की रिंग पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। सभी भाइयों को, सभी भाइयों को 200-200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और एक 500 रुपए का हार पहना करके अभी हमारा सम्मान करेंगे। कामना करते हैं भगवान कन्हैया हमारी दीदी और भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है गोविंद भगवान से। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज ब्राह्मण देव से कहने लगी है रुक्मिणी एक काम कर दो हमारा। क्या? हम एक पत्र लिख करके तुम्हें दे रहे हैं, वो पत्र हमारा द्वारिका में पहुंचा दो भगवान श्री कृष्ण के पास। रुक्मिणी ने पत्र लिखा कन्हैया के लिए और एक बात कही, ब्राह्मण से सुनो, अगर हमारा विवाह कन्हैया के साथ में नहीं हुआ तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और बोली है रुक्मिणी, अरे
और ये हमारे बेटे सूर्यांश और अंश की तरफ से, बिटिया गुड़िया की तरफ से एक हाथ पहना करके सम्मान कर रहे हैं। कम ना करेंगे भगवान कृष्ण छोटे बेटों के जीवन में, बिटिया के जीवन में सुख शांति बनाए रखे हैं। कम ना आकांक्षा है गोविंद भगवान, बोलिए कन्हैया लाल की। इधर रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, आज पंडित जी उस पत्र को लेकर के चल देते हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, रास्ते में एक बाग पड़ा तो ब्राह्मण जी उस बाग में विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। और विश्राम के चक्कर में बेचारे सो गए। कन्हैया ने जब देखा कि पत्र तो रास्ते में पड़ा है, योग माया द्वारा ब्राह्मण जी को उठा करके द्वारका के नजदीक बाग था ला करके उसमें लिटा दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और हमारे बड़े भैया रणजीत सिंह जी की तरफ से सभी भाइयों को एक एक हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। कम ना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कम ना आकांक्षा है गोविंद भगवान। और ये एक सौ एक रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, ग्यारह ग्यारह रुपए से भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। हरेंद्र यादव सुनोप से मैम शोभरम सिंह यादव जी की तरफ से इसी गांव चुलमापुर से। पंडित जी के नेत्र जैसे ही खुलते हैं पहुंच जाते हैं द्वारका के नजदीक, क्या देखा पहरेदार खड़े हैं रास्ते में। पूछ लिया भैया कौन सा नगर है ये, बोले द्वारका छे। बोले द्वारका छे, बोले जी हाँ हमें तो उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया जी रहते हैं, कृष्ण से मिलना मिल सकता हूँ बिल्कुल। रास्ता बताया और जैसे ही ब्राह्मण देव चल देते हैं तो इधर उधर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा है सिंहासन से उतर करके नीचे आए। ब्राह्मण देव जी को उस सिंहासन पर बिठाया जिस पर कृष्ण के सेवा कोई दूसरा नहीं बैठा करता था। इधर उधर पत्र को निकाल करके दे दिया ब्राह्मण देव, कहने लगे कृष्ण हम कुंदनपुर से आए हैं और ये पत्र रुक्मिणी ने भेजा है। तो आज जब उसमें लिखा हुआ देखा कि यहाँ पर शिशुपाल आ चुका है तो कन्हैया बोले सुनो ब्राह्मण देव कह देना चली जाए रुक्मिणी शिशुपाल के साथ। बोले कन्हैया वो बेटी मर जाएगी लेकिन आपके सिवा किसी दूसरे के साथ मैं नहीं जा सकती, चले जाओ। बोले अगर तुम चाहते हो कि हम रुक्मिणी के साथ में विवाह करें तो तुम्हें हमारा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, कैसा साथ, जब आप हमारे साथ में चलो दरबार में पहुंचो तो जब उठ के खड़े हो बोलना आप घर जा रहे हैं, दो चार कदम चलने के बाद खांसने लगना, बलराम जरूर कह दे कि ब्राह्मण बूढ़े हैं चला नहीं जा रहा है और तो इधर से तुम्हें भी ले चलेंगे उधर से हम रुक्मिणी को भी ले आए। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला गया मेरे भैया। ब्राह्मण देव जब उठ करके चल देते दो चार कदम चले खांसने लगे जोरों से। आज बलराम ने कहा कन्हैया इन ब्राह्मण जी को छोड़ करके आओ और उधर से बहुत जल्दी वापस लौट करके आओ। तो इधर धीरे धीरे समय गुजरा, ब्राह्मण देव को लेकर के कृष्ण जैसे ही चल देते हैं। आज कुंदनपुर से बाहर एक मंदिर था, वहां पर रथ को उतार दिया। बोले ब्राह्मण देव जाओ और बहुत जल्दी वापस लौट करके आओ।
ब्राह्मण देव चले रुक्मिणी के पास में पहुंचे। कहा है बेटा कन्हैया खड़े हैं मंदिर पर, चले जाओ और अकेली जाना, किसी को साथ लेकर के नहीं जाना। और ये हमारे बड़े भैया रणजीत सिंह फौजी और हमारी दीदी सुची यादव जी की तरफ से सभी कलश वाली बहनों के सूट से सम्मानित कर रही हैं, और परीक्षित महाराज जगपति जी को भी सम्मानित कर रही हैं। और ये 500 रुपए हमारे पास में आए हैं अंकित यादव की तरफ से, सनोप श्रीमान दिनेश चंद्र, ये ग्राम गोपी मानई अलीगढ़ से 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कृष्ण भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है गोविंद भगवान से। इधर उधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज रुक्मिणी जैसे ही चल देती है, मन में विचार किया जा तो रहे हैं, चलते समय मैया से मिलते चले माँ के पास पहुंची। माँ पूजा करने जा रही हूँ, माँ बोली जाओ जल्दी वापस लौट के आना, रुक्म मिल गया, अकेली नहीं जाओगी, सखियों को साथ लेकर के जाओ। और जैसे कृष्ण ने दूर से आता हुआ देखा कि रुक्मिणी अकेली नहीं बल्कि इतनी सखियां आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण हमारे बदले का उस सखी को न ले जाए। रुक्मिणी ने मन में विचार किया, आगे बढ़ी, जोने हाथ में कंकन बंधो, वो हाथ उठाए के बोली बहना ये इधर वाली सेना किसकी है? बोली ये वाली सेना शिषपाल की है, और इधर वाली किसकी है? ये तुम्हारे भैया की है। अच्छा, अजय से कन्हैया ने कंकन वाला हाथ देखा, पास में बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम रुक्मिणी है जी, तुमने बुलाया था। इधर रुक्मिणी ने पूछ लिया, आप कृष्ण हैं? बोले जी हाँ, कुंदनपुर में रहती हूँ मैं, भाई का नाम रुकुम है, मेरा नाम रुक्मिणी है, मैंने पत्र भेजा था आपके लिए। ये हाथ में क्या है? बांसुरी बजानी आती है, बहुत सुंदर, जरा बजा करके दिखा सकते हो? बोले नहीं। क्यों? ये दुश्मन देख रही हूँ चारों तरफ, दुश्मन ही दुश्मन खड़े, और मैं अकेला हूँ, और ये इतने सब हैं, मैं अकेला क्या कर लूंगा, इसीलिए बजा के नहीं दिखा सकता हूँ। तो रुक्मिणी बोली जरा हाथ में पकड़ करके दिखा दो कैसी है। कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, उधर से रुक्मिणी ने हाथ किया, बांसुरी की गोदी में डाला, और रुक्मिणी को रथ में बिठाया, रथ को भगा दिया कृष्ण। आज धीरे धीरे समय गुजरा, इधर रुकुम को जब पता चला, रुकुम दौड़ता हुआ गया, कन्हैया को आवाज लगा दी, खड़ा हो, कन्हैया खड़े हो गए। तो रुक्मिणी ने एक बात कही है, कन्हैया हमारी बात मान जाओ, भैया के सामने तुम्हारी पेस नहीं जाएगी, तुम चलो हमारे साथ। कन्हैया बोले कायर नहीं है जो ऐसे लेकर के चले जाए। रुकुम आया, रुकुम में भगवान में युद्ध हुआ, रुकुम के प्राण लेने चाहे भगवान ने, रुक्मिणी आगे बढ़ी, कृष्ण भैया को नहीं मारना है, दोनों हाथ बांधे पैर बांधे रथ में डाल लिया, चले द्वारका में। जब पहुंचे हैं इधर बलराम विचार करने लगे, ऐसी क्या बात है जो कृष्ण से छुपा रहे हैं। बलराम दौड़ करके आते हैं, बोले कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जाओ, और हम देखते सेना कितनी देर के लिए। और कन्हैया जब द्वारिका में आए, ग्वालों ने देखा, कहने लगे कृष्ण कौन है, कहां से लेकर के आए हो?